Morning students, in this video we are going to study the next theorem of the circle, that is theorem 10.2. It is a converse of theorem 10.1 we have already discussed in the previous video. So here is a converse of, as you know, it's a converse of theorem 10.1. In 10.1 it was given that two chords are equal and they subtend equal angles at the center. But in this theorem, the converse of 10.1, here the angles subtended by the chords are equal. So angles at the center are given equal. Now you have to prove that these two chords are equal. So AB or CD आपको equal prove करना है. पिछले वीडियो में जो 10.1 theorem जिसमें हमने discuss की थी, उसमें given था कि दो कॉर्ड जो है AB और CD वो इक्वल है, तो आपको बताना था कि वो सेंटर में इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं. वो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था. अब इस वीडियो में हम इसका कन्वर्स, दैट इज 10.2 थ्योरम, बताना है कि अब जो कॉर्ड्स इक्वल एंगल्स बता रहे हैं सेंटर में, तो बताओ ये कॉर्ड्स भी आपस में इक्वल है. सो हमने गिवन लिख दिया है AB एंड CD आर टू कॉर्ड्स of a circle such that angle AOB is equal to angle COD. तो AOB angle और COD equal है. Prove क्या करना है इस बारी हमने, कि chord AB और chord CD आपस में equal है. So prove क्या करेंगे, पिछले video में जो किया था 10.1 theorem बिल्कुल वैसा ही जाना हमने. In triangle AOB and triangle COD लेंगे, इनको हम congruent prove करेंगे. So, कैसे करेंगे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ? पहले हम लिखेंगे OA जो AOB ट्रायंगल का साइड है OC के बराबर. क्या रीजन है? रेडियस ऑफ ए सर्कल, ऑफ ए सर्कल. सो ये इसका आ गया. नाउ एंगल AOB इक्वल टू दिया है एंगल COD, ये गिवन है आपके पास बच्चों. दिस इज गिवन टू यू, गिवन. नाउ थर्ड पार्ट जो आएगा कि OB इक्वल टू OD, OB equal to OD. क्यों? ये भी रेडियस ऑफ ए सर्कल है, एक ही सर्कल के रेडियस है, ठीक है. नाउ बाय क्या है ये? ये साइड आ गया, ये क्या आया? ये एंगल आ गया, और ये क्या आया? ये साइड आया. देयरफॉर बाय हम कह सकते हैं बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल. कॉन्ग्रुएंस रूल क्या हुआ कि ट्रायंगल AOB हमने प्रूव कर दिया कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सीओडी. तो जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो बाकी तीन पार्ट्स सीपीसीटी में आ जाते हैं. तो हम क्या करेंगे, इसका एबी वाला जो साइड है वो इसके एसीडी के बराबर. सो बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स एबी इक्वल टू सीडी हेंस प्रूव्ड. तो बच्चों आपको ये याद भी रखना है कि जब भी सेंटर में दो एंगल कॉर्ड्स इक्वल बनाती है तो वो दोनों कॉर्ड्स इक्वल होते हैं. और 10.1 थ्योरम दो कॉर्ड्स इक्वल दी थी सेंटर में, दो कॉर्ड्स इक्वल दी थी, तो सेंटर में जो इक्वल एंगल्स बना लेते हैं वो. अब इसी के बेस पर ये तो एक सर्कल के बारे में बता रहे थे, अगर हम कॉन्ग्रुएंट सर्कल है बिल्कुल सेम इसी तरह से करना है जो आप एक्सरसाइज 10.2 में देखेंगे.